दगड़ियों लग रहा है ना भयंकर। ओहो हो, चीज अगर इजीली मिल जाए तो उसमें क्या मजा है भाई। कुछ भी कह लो ना, जगह तो सॉलिड है, जन्नत में रह रहे हैं तो यही तो मजा है। अभी तेरे टायर में हवा कम लग रही भाई। अभी से मेरे दिमाग में एक इंस्टेंट राइम बन गई है, गौर फरमाइए प्लीज। तो टायर में हवा है कम, हवा डला लो। टायर में हवा है कम, हवा डला लो। आ गई है ट्रैवल बक की नई वीडियो, जल्दी से लाइक बटन दबा डालो। ओ भाई बहुत ही ज्यादा लेम था लेकिन देखो इंस्टेंट था, तो अभी इसी से काम चला लो। तो दोस्तों नहीं, आज कुछ डिफरेंट करते हैं। तो थोड़े दिनों पहले ना मैंने आप लोगों से सजेशंस मांगे थे इंस्टाग्राम में, तो बहुत सारे सजेशन मिले हैं, उनमें से ना एक मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इसीलिए दगड़ियों आप सभी को स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल बग में। तो आज का इंट्रो अपन ने बोला है गढ़वाली में, क्योंकि मैं हूँ गढ़वाली, तो सोचा यार थोड़ा फ्लेवर तो होना चाहिए अपने गढ़वाल का भी। तो इसीलिए लाए अपन अपने इंट्रो में थोड़ा बदलाव। और कमाल की बात यह है कि बदलाव सिर्फ इंट्रो में नहीं है, बदलाव आज हमारे डेस्टिनेशन में भी है। तो अभी तक ना मैंने आप लोगों को देहरादून की बहुत सारी जगह दिखाई है, लेकिन आज ना आज अपन जा रहे हैं देहरादून से थोड़ा सा बाहर, क्योंकि मेरा मानना है किसी भी चीज की अति ना अच्छी नहीं होती है। तो मैंने बहुत ज्यादा देहरादून कर लिया था, तो सोचा बीच में एक वीडियो तो बनता है जो कि थोड़ा बाहर का हो। तो इसीलिए आज अपन जा रहे हैं धनौल्टी। वन सेकेंड, अभी जब यहाँ आए गए तो व्यू भी दिखाई देते हैं भैया। इस व्यू से ना कभी मन नहीं भरता, बस एक ही शब्द निकलता है मुंह से और वो क्या है, वो है वाह। बस इसे देखते जाओ और क्या लग रहा है भाई। तो भैया अभी यहाँ पे रुकी गए हैं, तो अपन चलाएंगे बाइक, क्योंकि मैंने कभी KTM चलाई भी नहीं है, तो देखते हैं चला के कैसी चलती है। अपन स्कूटी वाले हैं, गरीब लोग थोड़ा अमीर वाली गाड़ी चलाते हैं। ऑल राइट, फील है ब्रो, फील है। देखो चल जानी चाहिए, वैसे तो मुझे आती बाइक चलानी। चिंता मत करो अभी स्टार्ट हो जाएगा। ऑल राइट गाइस, स्टार्ट हो चुकी है। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है भाई, बेइज्जती मत करा यार, स्टार्ट हो जाए यार। अबे स्टैंड खुला हुआ क्या? अबे यार दोस्तों, सॉरी गाइस, सॉरी माय मिस्टेक। देखो स्कूटी वाले ना क्या करें। अरे नहीं भाई, जबरदस्त है ना, जबरदस्त। ये बाइक तो बवाल चीज है, मतलब स्कूटी के बाद तो पता ऐसा लग रहा है मैं हवाई जहाज में बैठ गया हूं। तो देखो यार मस्ती तो होती रहेगी। सबसे पहले तो भाई लोगों, हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने 3K सब्सक्राइबर्स। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है, अभी एक दो वीडियो पहले ही मैंने कहा था कि अभी हमारे 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, एंड अभी इतनी जल्दी 3K हो गए हैं। इट इज़ अनबिलीवेबल, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी सपोर्ट कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। मतलब अपना 1000 क्या, मतलब मैं अपना पूरा परसेंट दूंगा अपनी वीडियो बनाने के लिए। आप नज़ारे देखो भाई, ओ भाई बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कश्मीर की पहाड़ियों में आ गए अभी हम। तो एक काम करते हैं ना, कश्मीर की वादियों को देखते देखते अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ए, 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 लग रहा है ना भयंकर। तो हेलमेट निकालते हैं और अब तब करते हैं आप लोगों से बात। तो अभी ना पराठों का वेट कर रहे थे, एंड अभी ना यहाँ पे बहुत सारी फोटोज खिंचाई हैं, शायद एक तो डालने लायक हो जाएगी। तो अगर आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कराना अभी तक, तो मेरी इंस्टा आईडी आ रही होगी यहाँ पे, तो वहाँ जाके कर लो फॉलो, क्योंकि वहाँ डालता हूँ मैं प्यारी प्यारी फोटोज। पराठे भी आ गए हमारे, ठीक है यार। देखो जब तक हम पराठे यहाँ पे खाते हैं ना, तब तक आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो। तो हमने यहाँ पे नाश्ता कर लिया है और अब कश्मीर को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। लेट्स गो अपने आगे डेस्टिनेशन की ओर, थोड़ा और आगे। और मैंने आप लोग को डेस्टिनेशन तो बताया नहीं है, धनौल्टी मैंने बता दिया था, लेकिन ये तो बताया नहीं कि धनौल्टी में कहाँ जा रहे हैं। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो हम जा रहे हैं देवलसारी टेम्पल, और भैया क्या जगह है। ऑल राइट गाइज, अब मुझे लगता है शायद यहाँ से ना हमारे नज़ारे जो हैं वो होने वाले हैं अल्टीमेट। तो आप लोग नज़ारों के मजे लो, और जो चैनल में पहली बार आया ना भैया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस अपन जो है वो रेगुलरली डालते रहते हैं। तो चलिए फिर दिखाते हैं आप लोग को नज़ारे। ओहो हो, तो
अभी थोड़ी देर यहाँ पर रुके हैं क्योंकि ना बैठे बैठे थोड़ा दर्द हो गया है, आप समझ जाओ बस कहाँ पे हुआ है। थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के रिलैक्स करते हैं और फिर निकलते हैं। बाकी अब नज़ारे देखो यार, क्या लग रहे हैं भाई, क्या लग रहे हैं। 12 seconds later तो काफी देर से बैठे हैं भाई, चलते हैं, चलो अब यार लेट्स गो। तो आप लोग को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो जैसे ना रात के बाद आती है सुबह, वैसे ही बरसात के बाद आता है ये वाला मौसम। मतलब सब कुछ ना इतना ज्यादा साफ लग रहा है ना, एक अलग सी शाइन मार रही है हर चीज। अगर आप पत्ते देख लो, सड़क देख लो, इवन रेलिंग देख लो, हर चीज जो है वो चमक रही है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मानसून, मतलब बारिश से सब कुछ धुल जाता है। और क्या लग रहा है, तो ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है घूमने का बरसात के बाद वाला, क्योंकि एक तो ग्रीनरी बहुत ज्यादा रहती है और ऊपर से सब कुछ साफ रहता है। ओ भाई साहब, भाई ये देखो, भाई देखो बीच में छोटा सा गांव है और पीछे देखो व्यू, देखो कितना सुंदर लग रहा है। हाय मन कर रहा है मेरा यहीं बस जाऊं भाई घर को लेके। हम तो पता नहीं क्या ही कर रहे थे देहरादून में, देखो इनके कितने मजे हैं, हैंगर क्या जन्नत में रह रहे हैं। तो यार देखो, मैं इससे पहले ना यहाँ पे कभी नहीं आया हूँ, तो मेरे लिए ये एकदम नई जगह है। और यही ना सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है वो बना रहता है कि आप क्या देखने को मिलेगा, आप क्या देखने को मिलेगा। अभी शायद ना हम लोग थतीउड पहुँच गए हैं, तो थतीउड एक वैली है, मुझे लगा था कि शायद ये पहाड़ के टॉप में होगा या फिर ऐसा कुछ, लेकिन देखो ये भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट निकला कि ये तो एकदम वैली है, एकदम ग्राउंडेड है। तो यही तो मज़ा है। तो ये एंटर हम हो गए हैं थतीउड में, और अभी यहाँ से पता करेंगे कि देवलसारी के लिए कहाँ से रास्ता जाता है, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं है अभी। तो ये है अपना थतीउड का मार्केट। और एक और इन्फॉर्मेशन अभी चलिए पता कि ये टीरी में आता है, मैंने बोर्ड में देखा, अभी तक मैं धनौल्टी धनौल्टी बोल रहा था, लेकिन अभी हम टीरी के रीजन में है। तो वापस से बाइक ले ली अपन ने, क्योंकि थोड़ी बोरियत आ गई थी स्कूटी चला चला के। भाई ऐसा लग रहा है मतलब कहाँ ही आ गए, बहुत दूर भयंकर की, पहाड़ इतने बड़े बड़े और एकदम हम पहाड़ के जड़ में, नदी के साथ साथ चल रहे हैं। इनसे पूछते हैं, आंटी जी देवलसारी के लिए कहाँ से रास्ता है? देवलसारी 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 नहीं, रास्ता कहाँ से है? सीधा वाला? अच्छा ठीक है। अभी हमने आंटी से पूछा, आंटी जी रास्ता कहाँ से? आंटी कह रही हाँ हाँ जाओ जाओगी। शायद आंटी को लगा हम बोल रहे होने कि हम हाँ आंटी जी हम देवलसारी जा रहे हैं लेकिन चलो कोई नहीं, हो जाता है कई बार, लेकिन थोड़ा कॉमेडी तो हो गया था। तो अभी ना बहुत आगे आए हैं, और यहाँ देखो आप लोग, मतलब पहाड़ के ऊपर एक प्लेन एरिया है, जो कि बहुत ही मतलब एक अलग टाइप का था। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था अभी टर्न लेते हुए कि ऐसा कुछ दिखेगा। भाई कुछ भी कह लो ना, जगह तो सॉलिड है, आप देखो एक बार, मतलब ये प्लेन एरिया है, सामने इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं भाई। तो देखो यार अभी ना मुझे एक बहुत बढ़िया चीज दिखी, तो वो देखो सामने येलो येलो कितना सुंदर लग रहा है, वहाँ बच्चे ही बैठे हैं, वाह कितना सुंदर लग रहा है भाई। ये देखो भाई क्या लग रहा है भयंकर यार, तुम्हारे तो बड़े मजे यार भयंकर, इतनी बड़ी सुंदर जगह रहते तुम लोग। ये हमारे नए दोस्त हैं, इनका ये प्यारा सा छोटा सा घर है। तो हम लोग भी ना अभी यहीं बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, अभी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मंदिर अभी ना यहाँ से थोड़ा सा और आगे, पर ये यहाँ पे इतना सुंदर है तो मैं सोच रहा हूँ कि मंदिर कितना सुंदर होगा। बाय, चलो फिर इस ब्यूटीफुल व्यू को अब करते हैं बाय और यहाँ से निकलते हैं, मंदिर जाना है हमें, मंदिर कहीं वो उधर सामने है। ऑल राइट देन, अब यहाँ से मैंने हेलमेट वगैरह पहन लिया, बट क्या जगह है यार ये, और क्या बच्चे हैं। चलो फिर बाय गाइस, बाय। यार कितनी कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं ये लोग, मतलब सुकून भरी लाइफ, वाह। तो अभी ना हम उन पेड़ों में कहीं घुसने वाले हैं, क्योंकि मंदिर मुझे जहाँ तक पता है इन्हीं पेड़ों के बीच में है, तो इसी के वजह से वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। अभी देखो हम हाइट पे आ गए और खेत थोड़ा नीचे है, और कितना सुंदर लग रहे हैं खेत भयंकर। अभी ना शायद हम लोग पहुँच ही गए हैं, क्योंकि मुझे आगे डेड एंड दिखाई दे रहा है, तो शायद हमें गाड़ी खड़ी करके और यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं और यहाँ से भी पैदल नीचे जाना है, तो फटाफट से हेलमेट निकालते हैं और तब करते हैं आप लोगों से बात। ये हमारी लोकेशन है और वहाँ पे कहीं हमारी डेस्टिनेशन है। तो अभी अपन लोग पहुँच चुके हैं, हेलमेट वगैरह सब निकाल के सब कुछ सेटअप वगैरह कर लिया है, यहाँ से अपना रास्ता है यहाँ से, और नीचे देखो आप व्यू, नीचे नदी है, बट फिलहाल निकलते हैं यहाँ से आगे। चलो भाई बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि ट्रैक जो है वो 600 मीटर्स के आसपास है, तो ज्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है, ज्यादा बड़ा हो या ना हो लेकिन सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। भाई तो शायद अब हम पहुंचे हैं भयंकर जगह पे। ओ भाई जस्ट लुक एट इट, भयंकर भाई क्या जगह है भाई,
मतलब आई किड यू नॉट, मुझे नहीं पता इस कैमरे में कैसा दिख रहा है, बट सामने से ना मतलब ये पेड़ इतने ह्यूज है। वाह, तो वो सामने है उधर मंदिर। जस्ट मंदिर के पास आके बैठे हैं ना, और क्या मंदिर है, मतलब पूरा लोकेशन जो है ना वो इतनी ज़्यादा सुंदर है, पेड़ लगा लो, मतलब ओवरऑल जो पूरे मंदिर के अगल बगल का जो एनवायरनमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर आप में से किसी ने ये जवानी है दीवानी देखी ना, तो उसमें एक हिडिम्बा टेम्पल दिखाया था, तो ये ना बिल्कुल वैसे ही है, वो बस हिमाचल में है और ये अपने उत्तराखंड में है। तो एक काम करते हैं ना, देखो वहाँ पे ना वो लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, गाने वगैरह बजा रखे उन लोगों ने अभी। वैसे ना मंदिर बंद था, मुझे वैसे आइडिया नहीं है इस बारे में कि ये कब खुलता है, ऑल्दो अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं स्क्रीन में डाल दूंगा। मैं सच्ची बताऊँ ना, इन पेड़ों के थ्रू ना दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये पेड़ ना इतने ज्यादा घने ना, तो एक पॉइंट में क्या है कि पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं, काफी दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से एक ना बहुत ही डिफरेंट सा इल्यूजन टाइप का सा हो रहा है, तो वो बहुत ही वियर्ड सा है। बहुत देर से मंदिर में बैठे हुए थे ना, तो आप सोच रहे हैं कि क्योंकि बादल वापस आने लग गए हैं तो कहीं जाते हुए ना बारिश वगैरह ना आ जाए, तो इसीलिए नीचे की तरफ जा रहे हैं। खैर, आप लोग को कैसी लगी जगह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो इट वॉज लाइक वाओ। तो हम वापस से ना गाड़ी के पास पहुँच गए हैं, फटाफट से हेलमेट पहनता हूँ, तब करता हूँ आप लोगों से बात। तो जी आ गया स्वाद, आप लोग का पता नहीं लेकिन मुझे ज़रूर आ गया स्वाद, मतलब भाई अनबिलीवेबल जगह है। एक काम करते हैं, यहाँ पर अपनी ना वीडियो एंड करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पहुँचना ना मतलब 80 किलोमीटर्स देहरादून से आना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, लेकिन कुछ चीज़ अगर ईजिली मिल जाए तो उसमें क्या मज़ा है कि नहीं। तो जो चीज़ को थोड़ा मेहनत करके मिले उस चीज़ का मज़ा ही कुछ और है, और ऊपर से इतनी सुंदर जगह। बाकी विद दिस ब्यूटीफुल व्यू आई एम एंडिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक द वीडियो। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।